अमेरिका में सबसे ज्यादा क्या मिस करती हैं प्रियंका चोपड़ा, एक प्रेस ने बताया। प्रियंका से पूछा गया कि क्या भारत के सिनेमा में उन्हें बदलाव देखने को मिलता है। इस पर बात करते हुए प्रियंका ने कहा कि जी, बहुत बदलाव आया है। मुझे याद है कि लोग कुछ फिल्मों के लिए बोलते थे कि इस फिल्म को देखना है तो आप दिमाग को घर छोड़ कर आएं। लेकिन अब ऐसे दिन खत्म हो चुके हैं। प्रियंका चोपड़ा पिछले कुछ दिनों से अपनी फिल्म द स्काई इज पिंक की प्रमोशंस में जुटी हुई थीं। अब वे वापस अमेरिका लौट चुकी हैं। मोटिवेशनल स्पीकर आयशा चौधरी की जिंदगी से प्रेरित इस फिल्म में जायरा वसीम, फरहान अख्तर, रोहित सराफ जैसे सितारे नजर आएंगे। प्रियंका ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि वे भारत में सबसे ज्यादा क्या मिस करती हैं। उन्होंने स्पॉट बॉय के साथ खास बातचीत में कहा कि मैं अक्सर इंडिया आती रहती हूं तो मुझे ज्यादा परेशानी तो नहीं है, लेकिन जब मैं विदेश में होती हूं तो भारत का खाना काफी मिस करती हूं। मुझे पता नहीं है कुकिंग कैसे की जाती है और उधर खाना डब्बों में आता है। उनसे पूछा गया कि क्या भारत के सिनेमा में उन्हें बदलाव देखने को मिलता है। इस पर बात करते हुए प्रियंका ने कहा कि जी, बहुत बदलाव आया है। मुझे याद है कि लोग कुछ फिल्मों के लिए बोलते थे कि इस फिल्म को देखना है तो आप दिमाग को घर छोड़ कर आएं। लेकिन अब ऐसे दिन खत्म हो चुके हैं। पब्लिक अब अपना दिल और दिमाग दोनों इस्तेमाल करना पसंद करती है। इंटरनेट की पहुंच काफी बढ़ी है, जिसके चलते लोगों के पास काफी ऑप्शंस हैं। इसके चलते लोगों की चॉइसेस में काफी ग्रोथ हुई है। प्रमोशंस निपटा कर वापस अमेरिका लौट चुकी हैं प्रियंका। गौरतलब है कि प्रियंका चोपड़ा अमेरिका वापस लौट चुकी हैं। उन्होंने इंडिया टुडे के साथ बातचीत में जायरा वसीम के बॉलीवुड छोड़ने को लेकर भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जायरा के फैसले को लेकर काफी कयास लगते रहे हैं, ये उनका निजी फैसला है। मैं उन्हें एक इंसान के तौर पर पसंद करती हूँ। मैं हमेशा चाहती हूँ कि वे एक इंसान के तौर पर अच्छा करें। वे एक बेहतरीन इंसान हैं और उम्मीद है कि वे अपनी यात्रा में भी अच्छा करेंगी।